आपका तो चैनल में बहुत सब्सक्राइब पता है, वीडियो भी लाइक करते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग देखते हैं कि हम लोग कितना लोगों का मदद करते हैं, दो दो दिन हम लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं, लोगों का मदद करते हैं, आप देखते हैं ना। हाँ भाई आप हमको चलिए आप हमको इतना बताइए कि किस जगह किस देश में आप लोग फंसे हैं। अच्छा जॉर्डन और ओमान में, ओमान में फंसे हुए हैं। कितना बिहारी भाई लोग हैं वहाँ जॉर्डन में? यूपी बिहार के 120 आदमी है। किसके थ्रू गए थे काम करने आप लोग वहाँ पर? अच्छा अभी अभी दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को वहाँ पर? हाँ 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 उसके बाद में हम लोग जो इधर मिनिस्ट्री ऑफिस है उसके पास भी हम लोग गए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफिस में गए तो पुलिस इधर का जो है डंडा चार्ज कर दिया। आप बिहार में कहाँ से हैं? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कौन कौन गाँव? रामनगरा गांव से है। कौन नंबर वार्ड से है? पोस्ट कमरिया। पापा जी का नाम क्या है आपके? प्रभु साहब। मुखिया कौन है आपके पंचायत का? रंजीत मुखिया है। आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र माने हम कुछ जानकारी आपसे ले रहे हैं उसको बताइए। विधायक कौन है आपके यहाँ का? मोतीलाल जी है। मोतीलाल प्रसाद कौना पार्टी से है? सांसद कौन है? सांसद इधर कौन है? अब बताओ भाई, सुना अभी बताओ, तारा सांसद के नाम पता नहीं के क्या अपना नाम पर वोट दिले बड़ा ऐसा नहीं सने लोग के वोट देवा हमने जैसे नेता लोग के नौजवान लोग के ना चुनी तो ये दशा होबे करी। वही सीतामढ़ी क्षेत्र में हमारा जैसा पागल लोग वही मेहनत करे वाला जो निर्दलीय हुई जरा टिकट खरीदे के औकात न हुई तो वैसा वैसा लोग के वोट दिले रहता तो आज तोरला कूदे रह जान लुट लुटावे ला हाजिर रह जानल। गलत न गलत बोल तो कि तब तो बता दे लोगन, गलत बोल तो कि एको सब तक कह लोगन। हमने तो बोले बानी आपका हम वीडियो भी बना रहे हैं और इस वीडियो को हम डालेंगे ताकि आपका सच्चाई सब लोगों को पता चले और सरकार के नजर में जाए ताकि सरकार आपका कुछ मदद करे। यह वीडियो मैं आपका बना रहा हूँ, वीडियो मैं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना वीडियो डालने से? देखिए भाई सरकार क्या करेगी आपके लिए क्या नहीं करेगी हम नहीं जानते हैं, सरकार आपकी सुनेगी कि नहीं सुनेगी वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हाँ अपना फर्ज है कि हमारे भाई का आवाज को एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश को बताएं, सरकार को बताएं, उतना हम काम आपके लिए करेंगे। ठीक है आयु तो सबसे बड़का चीज तो यही बा जब गांव के विधायक जब सजान पहचान वा विधायक अगर विधानसभा में आवाज उठा देवे तो ऐसे बड़का कुछ होता है ले नहीं थे। हाँ तो सुनिए विधायक जी से भी कहिए कि सरकार में है तो सरकार से बात करें, केंद्र सरकार से बात करें, राज्य सरकार से बात करें, हम लोग अपना वीडियो के माध्यम से आपका मदद करेंगे। देखिए भाई बिहार में हमारा दर्द पता बा, हम दर्द महसूस कर सकते हैं तोनी के मर्दे, वे फैक्ट्री अभी बिहार में रहती है वनू तो तोनी का बिहार से बाहर न जाए लोग विदेश में कमाए धक्का खाए गाड़ी सुने एगो बात जान जा लोग हम आ जाइए हमनी के जात के नाम पर वोट देबो न लोगन तो ये ये दसो हमनी के होतवा हमनी के बाप दादा तो गुलामी करबे कहलो हमनियो करू का तो हमनी से गुलामी न होतवा हमनी के अकेले रहम चाहे 2000 बानी चाहे 10000 बानी भीड़ बा हमनी लगा विरोध करम तो करम गलत के जानल। हाँ तो ये जे भी बा आवरी आवरी कौना कौना जिला के लोग बा रउआ समस्तीपुर के बानी और कौन जिला के लोग बा दूसरा जिला के लोग
अच्छा आप सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी जिले तो आप पूर्वी चंपारण के बगले में है के? हाँ तो मोतिहारी है ना सर, तो एना एना भाई एना भ्रष्ट विधायक के चुन भाई, तो ये ना दशा भेल जे झेल जतई हमनी सारा गोड़ा के हैं हैं के कोनो गोड़ा देखे होई तो आज के डेट में कोनो गोड़ा केतना दशा होई बटे, तो केतना दशा हमनी के होई है पूरा हैं। हां अच्छा चलिए भाई कोई बात नहीं है, हम इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से पूरा गुहार लगाएंगे कि जहां तक हो सकता है जिस तरह से हो सकता है आपका मदद होगा, और निश्चित रूप से इस वीडियो को मैं पोस्ट भी करने जा रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से सारा लोगों से भी आग्रह करूंगा कम से कम इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाए ताकि आप लोगों का बात कम से कम सुने। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर बिहार के नौजवान से हम लोग का साथ दिया, अगर हम लोग का मौका मिला ना तो कुछ भी हो जाएगा, एक वो काम तो जरूर करेंगे कम से कम बिहार का नौजवान से बिहार से बाहर न जाए। अरे ओकरा के छोटे छोटे मदद होगा, अपन दुकान खोल लेगा कि ना छोटा बिजनेस कर लेगा, लेकिन घर आप बाल बच्चा से दूर नहीं जाएगा, इतना तो प्रयास जरूर हम निकल करेंगे, देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को बना करके मैं कल दिन में 10-11 बजे इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप सब लोग देखिएगा शेयर करिएगा सब तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि सरकार इस बात को सुने, ठीक है ना? ठीक है विशेष विशेष हाँ बोलिए। आप एक काम करिए ना, सुनिए अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक तरीका होता है हर चीज का, जैसे कि आपने वीडियो बना के देख भेजा है, हम सुने हैं, तो हमको बड़ा तकलीफ लगा है कि जोन आदमी 9 महीना जेल में रह के मनीष कश्यप से बाहर आया है, ओकरा ला वो अभी जेल से निकला है तो अभी कोटे कचहरी में फंसल है, यहाँ से अभी तमिलनाडु जाना है, वहाँ भी कोर्ट कचहरी में खड़ा होना है, पटना कोर्ट कचहरी में खड़ा होना है, बेतिया कोर्ट कचहरी में खड़ा होना है, वो तो अभी अपने में तबाह है, कम से कम सांसों लेवे को आदमी को मौका दिया हो, वो तो निकल भीतरों गेल रहा है मजदूरे लोग ला, बाहरों आए तो बेचारा प्रयास करे मजदूरे लोग ला, अब मजदूर लोग के चढ़ावला बढ़ावला में अगर वही कह दी तो फिर कितना तकलीफ है, वो आदमी अगर वो वीडियो हुआ सुन ले तो कितना तकलीफ है बताइए। मैं कोई एड्रेस नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूरा आप लोग का सहयोग करूंगा, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, रवि भट्ट हो, विशाल हो, अनिकेत हो, मनीष कश्यप हो, चाहे जो भी लोगों का आप न्यूज देखते होंगे ना भाई, तो हम सारा गोड़ा आप ही लोगों के लिए गाली सुनते हैं, धक्का खाते हैं, केस करवाते हैं, जेल जाते हैं, सारा कष्ट होता है, और न तो हमने के बाप दादा को उतना संपत्ति बाकी, हमने के ज्योतिये के काम तो हमने के न हो रही, लेकिन एगो बिहार बदले के जज्बा बा, जज्बात बा कि बिहार के लोग बिहार से भ्रष्टाचार कम हो को, वही अनुभव प्रयास सब कर जाले, तो निश्चित रही रोनिका ये व्हाट्सएप नंबर पर जहां रोनिका बानी हूँ साफ साफ शब्दों में वहाँ के एड्रेस टोटल भेजी, हमने का भी विधायक लोग से बात कर दी, मंत्री से बात करके हमने का इंडियन एम्बेसी के भेजवाएं सब, और रोनी भी अपना स्थानीय विधायक के फोन करी कि भोटवा ले ले बड़ा लोगन, तो यही दिन वाला भोटवा दे ले बानी कि फसल बानी तैयार, हमने के बुलाओ आना तैयार, फिर से हमने को नौकरी दिवाओ आते, एक बाद दूरा पर नाटक दे तो हमी के, ठीक बा? हाँ हम वीडियो डालन तो का जहाँ बड़ा लोगन जितना आदमी बड़ा वो लोग के विशेष रूप से कुछ लोग के नाम पता जे बा कहाँ बड़ा लोगन लिख के भेजा लोगन, ठीक बा? ठीक बा जैसे वही बताओ कहीं ना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए है मनीष, आप लोग के लिए जेल गया था ना, तो आप लोग ऐसे कहिएगा कितना खराब लगेगा अगर वो सुनेगा वो वीडियो हुआ, तो हमने को उतना मरते खराब लग रही है, तो ओकरा कितना खराब लगता है वो समझ जाऊ, तो ठीक ना कोई बात नहीं कर भाई चलिए, अरे ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज है क्या बोलते हैं, आप लोग हमारा ताकत है, हम लोग का ताकत आप लोग हैं, हम लोग आप लोगों पर हम लोग घमंड करते हैं, कोनो भ्रष्टाचारी से लड़ जाते हैं, तो आप लोग हमारा ताकत है, आप लोग पर हम लोग को गर्व रहता है कि आप लोग भाई जैसा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? हम देखते हैं, हम बात करते हैं, आप लोग पूरा डिटेल्स भेजिए, ठीक है ना? ठीक है, रुकिए अभी हम लोग अभी जो जॉर्डन में मजदूर बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं, बिहारी यूपी के मजदूर जो लगभग 120 के आसपास ही लोग बता रहा है,
हम लोग वीडियो बनाए हैं, इसकी सत्यता की जांच भी हम लोग करवा रहे हैं। वो भाई लोग को भी बोले कि स्थानीय विधायक को खबर करिए, जो एड्रेस भाई लोग भेजेंगे व्हाट्सएप पर वो भी हम लोग स्थानीय मंत्री और विधायक को भेजने का काम करेंगे और सत्यापन करवा करके इंडियन एम्बेसी को भेजवाएंगे। और हम लोग का प्रयास है, और हम लोग का तो यही ना प्रयास रहता है, हम ये कि ये ना लड़ाई है कि बिहारी बिहार से बाहर न जाए, लात का घुसा न खाए, गाड़ी न सुने, बात न सुने, दासा न आवाज, किस तरह हमारा 120 को यूपी बिहार का नौजवान फंसा हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम बिहारी नौजवान बाहर में न फंसे, गाली न सुने, बिहार बिहारी को बिहार में रोजगार मिले, इसलिए प्रयास। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा, और अपना स्थानीय नेता को जरूर भेजवाइएगा जिसको आप वोट देते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ओकर लगा जरूर वीडियो हुआ भेजिएगा कि देख लीजिए अगर इसका दशा हो रहा है तो जो बिहारी बिहार से बाजेगा सबका ना दशा होगा। तो बिहारियों के लिए बिहार में प्रयास हो, हम इतना ही कहना चाहते हैं। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में और बिहारियों के बेरोजगारी के बारे में, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। जय हिंद।